बाल्को प्रबंधन ने संयंत्र परिसर में 5S जागरूकता रैली आयोजित की। आयोजन का उद्देश्य बाल्को में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका कामगारों को 5S सुरक्षा आदि के महत्व से परिचित कराना है। बड़ी संख्या में विभिन्न इकाइयों में कार्यरत नागरिकों ने रैली में भागीदारी कर 5S अपनाने के प्रति कटिबद्धता जाहिर की। बाल्को संयंत्र परिसर में आयोजित 5S सुरक्षा जागरूकता रैली में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री विकास शर्मा सहित अनेक बाल्को अधिकारी, कर्मचारियों और ठेका कामगारों ने भागीदारी की। श्री विकास शर्मा, बाल्को के एल्यूमिनियम व्यवसाय प्रमुख श्री दीपक प्रसाद और 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र प्रमुख श्री आशुतोष द्विवेदी ने प्रतिभागियों को 5S के महत्व से परिचित कराया। और जो हमने बोला 5S सेरी सहितों सहिसों से केतु शित्तु के, जो हम 5S की बात करते हैं, जो चीज चाहिए उसे रखो, जो ना चाहिए उसे भेज, उसे डिस्कार्ड कर दूं और उसको वहां से हटा दूं। छांटना एक बात बताई, उसके बाद उसको वहां से हटाना, रेड टैग में जहां भी भेजना हम उसको भेजें, जिसके काम में आती है वो काम में ले, जिसको काम में नहीं आती है तो हम उसको स्क्रैप में हम उसको भेज दें, तो उससे पैसा भी हमारा जनरेट होता है। और हम ये देखते हैं कि हम जो सेफ्टी के लिए एक ड्राइव चलाते हैं, सेफ्टी चौपाल, ऐसे 5S की हम ड्राइव चलाएं। तो वो सही बोला कि जो मेरी प्रतिबद्धता ना केवल सुरक्षा के प्रति है, मेरी प्रतिबद्धता सफाई के प्रति भी है, स्वच्छता के प्रति भी है, क्योंकि 15% जो एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं सेफ्टी के, वो 5S फॉलो ना करने की वजह से होते हैं। अगर हम सब मिलके कसम खाएं कि प्लांट में जो भी मटेरियल हम फेंकते हैं इधर उधर, उसको ना फेंकें और अपनी जगह पे ही डालें, तो देखिए सफाई करने वाले का काम कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन एट सोर्स, मतलब बिगनिंग से ही गलती ना करें। उसमें क्या है, सबकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम को करते हैं रोज सुबह शाम, उसको कैसे आसानी से के साथ करें। आप सबके साथ होता होगा, घर में एक चाबी रखते हैं लेकिन गायब हो जाती है, कुछ पेपर रखते हैं गायब हो जाता है, मिलता नहीं है खोजने से। तो ये अगर हम 5S को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये हमको अपने आदत में डालेंगे तभी हम इसको घर में भी कर पाएंगे और प्लांट में भी कर पाएंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आज हम 5S को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और इसको हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि ये हमारी आदत में आ जाए, फिर ये हम खुद भी करें और अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करें इसको करने के लिए। धन्यवाद।